वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। पेरिस ओलंपिक्स में भारत को रेसलिंग में मेडल मिला है। रेसलर अमन सहरावत ने फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अमन सहरावत ने प्यूर्टो रिको के डेरियन क्रूज को 13-5 से मात दी है। अमन पहले दौर के बाद 6-3 से आगे रहे, फिर दूसरे राउंड में 7 अंक लेकर मैच पर अपना दबदबा बनाया। अमन सहरावत की इस जीत के साथ ही भारत के खाते में कुल 6 मेडल हो चुके हैं। यही नहीं, अमन सहरावत के नाम एक और रिकॉर्ड बना हुआ है। अमन सहरावत भारत के ओलंपिक इतिहास में सबसे कम उम्र के मेडल विनर बन चुके हैं। तो भारत को ओलंपिक में एक और ब्रॉन्ज मिला है। अमन ने प्यूर्टो रिको के जेरिन क्रूज को हराया और इसके साथ ही उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आपको बताएं कि अमन सहरावत भारत के ओलंपिक के इतिहास में सबसे कम उम्र के मेडल विनर बन चुके हैं। पीएम मोदी ने भी कहा है कि अमन सहरावत की यह जीत बेहद खास है। आज बहुत बढ़िया लग रहा है, इब्बत तो मन ने खुद ने विश्वास नहीं हो रहा कि 3-4 दिन तो मन ने भी समझ में लगे भाई तेने मेडल जीत लिया आखिर में ओलंपिक में। बस यही सोच के आए थे कि भाई भाई पहले तो 2-4 मिनट नंबर नहीं देना किसी का। वो जो सेमी फाइनल में आ रहा था वो शुरू में जाते ही मतलब 4 नंबर चले गए इतना बड़े कंपटीशन में, तो पजल हो गया भाई कैसे नंबर लियो भी ओलंपिक में। ऐसे देखो सब देख रहे हैं देशवासी, अब क्या करूँ क्या, मैं समझ में नहीं आया क्या करूँ। बिल्कुल, लेकिन हम ये सुन रहे हैं कि ये मेडल पहनने के बावजूद भी आपके अंदर खुशी नहीं है, आप बिल्कुल स्वर्ण पदक की ही उम्मीद लगाए बैठे थे ऐसा? नहीं, ऐसी कोई उम्मीद तो लगाए बैठे थे, खुशी तो है पर अंदर से है बहुत। उस जगह पर खड़े होता आप खुद महसूस करके देख लो कैसा लग रहा होगा अपने। और यहाँ से अब आप अपना अगला लक्ष्य क्या बनाते हैं? यहाँ से अगला लक्ष्य तो 2028 का है और 2026 में एशियन गेम्स हैं। हरियाणा के रेसलर अमन सहरावत की शानदार जीत के बाद पीएम ने उन्हें बधाई दी, उनकी जीत को देश का गर्व बताया। पीएम ने अमन सहरावत को बधाई दी है, हमारे पहलवानों की बदौलत और भी गर्व, ये पीएम मोदी ने लिखा है। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में कांस्य पदक जीतने के लिए अमन सहरावत को बधाई, उनकी लगन और दृढ़ता साफ तौर पर दिखाई देती है। ये पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। आगे वो लिखते हैं, पूरा देश इस उल्लेखनीय उपलब्धि का जश्न मना रहा है और हमें हमारे खिलाड़ियों पर गर्व है। पीएम मोदी ने भी अमन सहरावत को बधाई दी है। उधर हरियाणा के झज्जर में अमन सहरावत के परिवार में खुशी का माहौल है। अमन के ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद जश्न का माहौल बन गया। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में अमन के ताऊ और दादा ने उसकी उपलब्धि पर खुशी जाहिर की। तो ये तस्वीरें आप देखिए, झूम रहे हैं परिवार वाले, नाच रहे हैं क्योंकि बरसों की मेहनत है और जब नया कीर्तिमान उनके बेटे ने स्थापित किया है तो उनको गर्व भी है। साथ ही कुछ इस तरीके से उनके परिवार के सभी लोग जश्न मनाते हुए नजर आए। जब अमन सहरावत से खुद बातचीत की गई उनको लगा, उन्होंने बोला कि उनको 4-5 दिन लगेंगे ये समझने में कि उनको मेडल मिला है, उनको यकीन नहीं हो रहा। और याद देखिए कि गाँव के सभी लोग इकट्ठा हुए थे, मैच देख रहे थे, टीवी के आगे टकटकी लगाए हुए बैठे हुए थे और जैसे ही मेडल मिलता है कुछ इस तरीके से ये अपनी खुशी जाहिर करते हैं। उनके ताऊ इस वक्त सुधीर जी हमारे साथ मौजूद हैं। ताऊ, बड़ी उम्मीद से टीवी आप कल भी देख रहे थे, थोड़ी सी निराशा हो गई थी इसके पहले वाले मैच में, लेकिन अब किस तरह की दिल में उम्मीद जगी है? उम्मीद तो जी पूरी लग रही है जी, अब ब्रॉन्ज तो जीतेगा ही, मेडल देश के लिए एक तो लेगा ही, खाली तो नहीं आएगा, मेडल लेके ही आएगा। बड़ा छोटा सा गांव होता है, यहाँ बचपन से तैयारियां करनी होती है, उतने सारे साधन नहीं मिल पाते। तो कुछ भी नहीं है गांव में जी, खेलने के और कोई सुविधा नहीं है गांव में। और हम तो जी खेता हमारा, हाँ रास्ता भी आपने देखा होगा, आने जाने का भी रास्ता बिल्कुल खराब हो रहा है, लाइट की भी सुविधा नहीं है यहाँ। जो ट्यूबलों वाली 8 घंटा लाइट आती है उससे ही गुजारा कर रही है। लेकिन जब इस तरह के गांव में, छोटे से गांव से निकल के ओलंपिक तक बच्चा पहुंचता है, किस तरह से बचपन से आपने उसके अंदर ये हुनर देखा था कि लगी कि हाँ इसको पहलवानी के लिए भेजना है और ये अपने घर परिवार का, गांव का और देश का नाम रोशन कर सकता है, ये कैसे लगा आपको? ये जी उसमें बचपन में ही हुनर बहुत ज्यादा था जी। अच्छा, जो भी काम करता वो एक बार किसी ने भी देख लेता ना उसी तरह से उसी काम को तुरंत कर लेता, और कैचिंग बहुत तेज है जी उसकी। तो ये कब लगा कि इसको अब रेसलिंग में भेजना चाहिए, यही इसका भविष्य हो सकता है? ये जी एक हमारा आश्रम है। अच्छा, बनी है उसमें एक बाबा रहा करता।
उसमें एक अखाड़ा है छोटा है जिसमें 4-5 हमारे ही घर के बच्चे जाया करते और 4-5 बच्चे गांव तो और आया करते। तो उनमें ये जाया करता जब जी 9 साल का था, ये लंगोटी बांधने नहीं आया करती, इसको हम बांध जा करता। और उसमें वो फिर जो उन बालका गए लड़ा करता जी, वो बाबा नहीं बोला भाई इन्हें कहाँ शिका रहे हो, वो बाबा आपके यहाँ आके लंगोटी बांधनी हम शिकाओ, हमने कितने होने नहीं। उसमें तो हुनर ऐसा है जैसे कि अखाड़ी में 2-3 साल कहीं ट्रेनिंग लेके आया हो। अच्छा। हाँ जी, उसके बाद में जी 8-9 महीने के बाद में हमने वो छत्रसा। किस तरह की उम्मीद से देख रहे हैं अपने बच्चे के लिए मैच? खुशी की उम्मीद से देख रहे हैं, वही गोल्ड मेडल लाओ है तो बहुत खुशी है, पूरा देश का है। बिल्कुल। हाँ, पूरा देश का है, मारक है। हाँ, आपने तो दादाजी बचपन से उसको देखा है, अक्सर जो है दादा के कंधे पे छोटा बच्चा सिर्फ खेलता रहता है, लेकिन आपने तो पूरी जिम्मेदारी निभाई उसके, ताऊ के साथ में उसको बड़ा किया, इतना बड़ा बनाया कि अब वो तो आपके परिवार का नहीं देश का भी नाम रोशन कर रहा है। सही बात जी। हाँ, इसका मैंने थी कि भाई मारा इस चीज की रुचि थी कि ये वो पहलवान बना भाई। हाँ,